Assalamu alaikum students, welcome back to the channel. Hope you have watched my previous video जिसमें मैंने unit 1 से 9 आपको important questions बताए हैं जो MCQs के वाले से भी और questions के वाले से भी. अगर आप उन पे ही focus करेंगे तो इंशाल्लाह आपका बहुत बहुत ज़बरदस्त paper हो जाएगा. तो ये 10 से 17 तक की है जिसमें important theorems में मैं आपको बताऊँगा. तो अल्लाह का नाम लेके बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो. बिस्मिल्लाह रहमान रहीम जी. तो इसमें इम्पॉर्टेंट थ्योरम वैसे होते ट्रिकी हैं, बट इसमें कोशिश ही होगी कि आपको वो बताऊं जो इम्पॉर्टेंट हैं. 10.1.2 है, एक तो इम्पॉर्टेंट ठीक है. एक इसकी अगर मुझसे आप जनरली एक लॉजिक पूछें तो इसकी स्टेटमेंट थोड़ी सी छोटी होती है ना, वो थ्योरम थोड़े इम्पॉर्टेंट होते हैं. ये एक इसकी ये बस मतलब मेरे हिसाब से तो मैंने तो ये अभी तक ऑब्ज़र्व किया ठीक है. तो इसमें मैं आपको दो थ्योरम्स बता रहा हूँ जो कि इम्पोर्टेंट है ठीक है. उसके बाद 10.1.4 भी थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है जो गुजर गया मेरे ख्याल से, मेरी नज़र से ये HS वाला बड़ा है लेकिन अच्छा. तो यहाँ पे तो चैप्टर 10 के डन हो जाते हैं. रिव्यू के क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे ये वाला क्वेश्चन आ सकता है और ये आ सकता है, ये इम्पोर्टेंट है. यहाँ पर डन हो गया चैप्टर 10. तो जो यूनिट 11 में देखते हैं कि क्या इम्पोर्टेंट है, पहला है या पैराग्राम. ये भी इम्पोर्टेंट बन ही जाता है 1.1 जो आपका है. फिर उसके बाद है नेक्स्ट, इफ टू ऑब्जर्व साइड्स ऑफ अ कंटिन्यूअस पैरेललोग्राम, दिस वन इज आल्सो इम्पोर्टेंट. यूनिट 11 की तो मेरे ख्याल में 3 कर देते हैं, 2 को मैं इम्पोर्टेंट है बट मैं नहीं मार्क कर रहा क्योंकि इस तरह बहुत सारे हो जाएंगे. सेक्शन ऑफ मीडियन, इसमें जो हमें 11 पॉइंट, इसको भी कर लेते हैं और 5 वाले को भी मैं इम्पोर्टेंट कहूँगा. रिव्यू एक्सरसाइज 11 में जो क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है वो क्वेश्चन 4 है और 6 भी है, 3 भी है, बट 3 भी है और 5 भी है. ये तीनों क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है. तो यहाँ पे हमारा चैप्टर 11 डन हो गया. चैप्टर 12 में देखते हैं कि कौन सा इम्पोर्टेंट है. पहला थ्योरम इसका इम्पोर्टेंट है तो फर्स्ट ही आप कहेंगे फर्स्ट एकदम से इम्पोर्टेंट हो गया, बट इट इज़ उसके बाद राइट पैस मैं थर्ड को करूँगा 4 की नस्बत. और जो सिक्स्थ है ये भी इम्पोर्टेंट है. तो ये तीन इसमें थ्योरम जो है वैसे सारे इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट हैं, बट फिर भी उनमें से भी मैं एक रिस्क लेने के उसमें इनको कहूँगा. और ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, ये भी आ सकते हैं. तो ये चैप्टर 12 डन हो गया यहाँ पर. यूनिट 13 को चेक करते हैं. फर्स्ट को छोड़ दें, सेकंड जो है ना ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो कन्वर्स है. उसके बाद थर्ड भी इम्पोर्टेंट है और फोर्थ भी इम्पोर्टेंट है. तो इसमें से हम कर लेते हैं फोर्थ को कर लेते हैं, रिस्क लेते हैं ना. और इसमें ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन 2 और ये इम्पोर्टेंट है 5. ये 13 डन हो गया यहाँ पर. चैप्टर 14 देखते हैं. इसमें 14 में आपका 14.1.1 फर्स्ट इम्पोर्टेंट है. उसमें कन्वर्स छोड़ दें और इसके बाद ये वाला इम्पोर्टेंट है. इसके बाद थर्ड वाला ये इम्पोर्टेंट है. रिव्यू एक्सरसाइज में देख लेते हैं क्या है.
रिव्यू एक्सरसाइज में 6, और इसमें 4 को करना है, तो ये यहाँ पे 13 डन हो गया, इट वाज 14, 14 डन हो गया यहाँ पर। चैप्टर 15 तो है ही छोटा सा, इसमें पहला पाइथागोरस थ्योरम कन्वर्स है, मैं कन्वर्स को इम्पोर्टेंट कहूँगा, आई डोंट नो व्हाई बट आई विल गो विद दैट। अच्छा, ये क्वेश्चन 9 आ सकता है, और सेकंड पार्ट इज 7, ये भी इम्पोर्टेंट में आते हैं, बस यही है इसमें इम्पोर्टेंट। डन हो गया यहाँ पे हमारा 15। यूनिट 16 में देखते हैं, उसमें आप पहले को कह दें और इसमें आप तीसरे को कह दें, ये दो हैं बस, आए तो टोटल ज़्यादा है, और बस इसमें ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर डन हो गए चैप्टर 16 के इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट ये जो हमारे पास चैप्टर है, चैप्टर 17 है, इसको तो वैसे इंक्लूड करना चाहिए फर्स्ट 9 चैप्टर्स के साथ, लेकिन चलें अभी सीक्वेंस वाइज चल रहे हैं हम तो, मतलब फर्स्ट 9 से मुराद मेरी ये है कि पहले 9 चैप्टर्स के हैं, ये थ्योरम्स का नहीं है। प्रैक्टिकल ज्योमेट्री इसको तैयार करें, क्योंकि समटाइम्स इस तरह होता है आपको थ्योरम भी नहीं आता और इसमें से क्वेश्चन आ जाता है, तो आप सिर्फ थ्योरम तैयार करके गए होते हैं, फिर आप गड़बड़ आ जाती है उसमें। तो इसमें जो क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट हैं वो ये कर लें, ये कर लें, सेकंड कर लें इसका, उसके बाद एम्बिगस केस, एम्बिगस केस में सेकंड पार्ट कर लें, नेक्स्ट एक्सरसाइज में चलते हैं, ये एग्जांपल कर लें, होता है एग्जांपल्स आर वेरी इम्पोर्टेंट, ये एग्जाम्पल करने 17.2 में देख लेते हैं, इसमें आप थर्ड वाला करने, सेकंड करने, फर्स्ट करने, थर्ड करने, 17.3 आ जाए, इसमें आप सेकंड करने और ये इतने इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन चलें मेंशन कर लेते हैं, ये एग्जांपल इम्पोर्टेंट है, उसके बाद जो लास्ट एक्सरसाइज है इसमें, इसमें आप क्वेश्चन नंबर 4 करने और 6 करने, रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 तो है ही इम्पोर्टेंट, तो बस ये जहाँ पे डन होगी है, होपफुली आपको अगर आप ये तैयार करते हैं सारे क्वेश्चंस तो इंशाल्लाह आपका 80 to 90% पेपर ठीक हो जाएगा, आपके मार्क्स भी अच्छे आएंगे, अल्लाह ताला आपको कामयाब करें। तो चैनल को लाइक करना ना भूलिएगा और सब्सक्राइब भी कर दें। तो यहाँ पे टोटल एंड हो गया है, होपफुली आपको सारे इम्पोर्टेंट पता चल गए होंगे, वीडियो को आगे पीछे करके सही तरह से मार्क कर लें, तो अगर आप ये सारे क्वेश्चंस तैयार करते हैं तो होपफुली आपके 80 to 90% मार्क्स आ जाएंगे मैथ्स में इंशाल्लाह, तो अल्लाह ताला आपको कामयाब करें, और अगर आपको ये इम्पोर्टेंट पसंद आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, तो इंशाल्लाह दोबारा नई वीडियो के साथ आएंगे, और जो इस साल स्टूडेंट्स 9th के एग्ज़ाम्स दे रहे हैं वो उनका, ये आपको पता है, बुक चेंज होने वाली है, तो विद द न्यू बुक इंशाल्लाह ग्रेड 9 स्टूडेंट्स के लिए जो न्यू कमर्स होंगे उसके साथ हाज़िर होंगे। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।